हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन डीबीटी इन स्टेम बेंगलोर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इन स्टेम यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में क्लिक करेंगे, ओपन पोजिशन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, टेक्निकल ऑफिसर लैब सपोर्ट के लिए, HVAC के लिए, लैब टेक्नीशियन एंड क्लर्क के लिए वैकेंसी दी गई हैं। यहाँ से डिटेल्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एंड 15 अप्रैल 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एंड अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स को डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन स्टेम एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर वन में। स्पेशलाइजेशन में HVAC मांगा गया है। एंड लैब सपोर्ट में 1-1 वैकेंसी है। लेवल 7 की सैलरी दोनों में है। लैब टेक्नीशियन में लेबोरेटरी के लिए 1 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी है। क्लर्क के लिए जो कि अकाउंट्स परचेज एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेवल 3 की सैलरी है, 1 वैकेंसी। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। एंड जॉब का नेचर, पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगी गई है। टेक्निकल ऑफिसर में यहाँ पर आपके पास बीटेक रिलेवेंट फील्ड में 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क्स में होना चाहिए। 60% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट मांगा गया है, या डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्यूटर नेटवर्क एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स एंड परचेज में मांगा गया है। एंड एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 35 ईयर एज दी गई है। लैब टेक्नीशियन के लिए, क्लर्क के लिए 30 ईयर एज दी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए 354 रुपये हैं। अगर आप SC ST PWD OMA कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेस पे ही सिलेक्शन रहेगा। एंड आप इधर 15 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकाल के अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में, लास्ट डेट 18 अप्रैल है, उसके बाद यानी कि आप 18 मई तक आप भेज सकते हैं फॉर्म को। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन DBT इन स्टेम GKVK पोस्ट बेलरी रोड बेंगलोर 560065 पे। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आप यहाँ से हेल्प नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। अप्लाई करने का लिंक दिया गया। मान लीजिए आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपना फुल नेम एंड ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। देन आपको सेव पर जाना है, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी में आपके पास एक कंफर्मेशन लिंक आ जाएगा। फिर आप यहाँ से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।